नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, हार चुके हैं, ये बात मैंने पहले ही कही थी। जी हां, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आपको बता दें कि मौका था विधान परिषद का और उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर से गुस्से वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी सुबोध राय उनको लेकर कई सारी बातें कह रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे, उस दौरान सुबोध राय ने उन्हें बीच में टोका, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से आग बबला हो गए। वो तस्वीर भी न्यूज फॉर्मेशन ने आपको दिखाई थी। लेकिन इन सब के बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया है और इससे पहले की एक तस्वीर साझा की है। क्या कुछ लिखा है और कौन सी तस्वीर साझा की है आपको बताते हैं। दरअसल तेजस्वी ने लिखा है कि यह राजनीतिक दुर्बलता है या उम्र का असर। मैंने पहले ही कहा था कि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में खुलेआम गुस्से में विपक्षी सदस्यों को देख लेने, जांच कार्रवाई करने तथा फंसाने बचाने की धमकी और चेतावनी देते हैं। क्या बीजेपी का दबाव वो विपक्षी सदस्यों को हड़काने में हल्का करते हैं? इसके साथ साथ उन्होंने एक तस्वीर साझा की है जिसमें दो हफ्ते पहले विधान परिषद में नीतीश कुमार राजद के सुनील सिंह के ऊपर भी कुछ इसी अंदाज में गुस्से में दिखाई दिए थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। तो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि ये राजनीतिक दुर्बलता है या फिर उम्र का असर है। मैंने पहले ही कह दिया था कि वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, अब उनसे सरकार नहीं संभलती, अब उनसे बिहार नहीं संभलता। इस बात की चर्चा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार करते रहते हैं। अब ऐसे में सदन से यह तस्वीर आने के बाद उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव के असर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से गुस्से में आ जाते हैं और सदन में ही धमकी देनी शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये निंदनीय है। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी सुबोध राय से पहले सुनील कुमार सिंह की भी एक ऐसे ही तस्वीर सामने आई थी जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन पर गुस्सा जाहिर करते हुए दिखाई दिए थे। अब इसी तस्वीर को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साझा कर दिया है। आपको बता दें कि हर छोटे बड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर घेरते नजर आते हैं, कई सारी बातें कहते हैं सदन में। तो अब वो रिपोर्ट के साथ पेश होते हैं और एक एक सबूत पेश कर हर बात की पुष्टि करते हैं कि कैसे वो अपने तमाम तथ्यों को वहां पर रख रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर जब से सामने आई है इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, खास करके विपक्ष की तरफ से अलग अलग तौर पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर्मेशन। नमस्कार।